कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से बचने के लिए जहां प्रयास कर रही है भारत सरकार, वहीं पर लॉकडाउन की परिस्थिति में दिहाड़ी मजदूरों का जो हाल है वो आप भी शायद नहीं देख सकते। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद की ये तस्वीरों में आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कई किलोमीटर दूर तक पैदल चल करके अपने आशियाने तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। रॉयल गुजरात न्यूज की टीम जब इन दिहाड़ी मजदूरों से बात की तब पता चला कि ज़्यादातर मजदूर जो है वो यूपी बिहार से थे, जिन्हें अपने गांव या अपने घर पहुंचने के लिए लंबे सफ़र का सामना करना पड़ रहा है। आप इनकी परिस्थितियों को देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर औरतें, छोटे बच्चे और अपने परिवार के साथ ये लोग पैदल ही निकल चुके हैं अपने घर, अपने गाँव पहुँचने के लिए। इसी बीच में इन दिहाड़ी मजदूरों की सेवा के लिए कई ऐसी संस्थाएं भी सामने आई जिन्हें इन्हें दो वक्त की रोटी मुहैया करा रही है। आपको बता दें, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कई एनजीओ ने मिलकर के इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन का प्रबंध किया। उत्तर भारतीयों की अहमदाबाद में, गुजरात में कई ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए यहां पर कोई भी संस्था सामने उभर कर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या यहां पर इस समय देखने को मिली। बड़ोड़ा से आ रहे हो अभी? मामा की दुकान पे जाके रहेंगे। कहाँ जाना, कहाँ आपको? बिहार। बिहार जाना है, बराबर। तो अभी आप कैसे जाएंगे? अब देखेंगे, मामा की दुकान पे रहेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या करेंगे। अभी आप पैदल चल के आए? पैदल आ रहे हैं सर। क्या करें? पैदल आ रहे हैं। और अभी काम कहाँ कर रहे थे आप? बड़ोदा। तो वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी? नहीं।